सुनीता रावल और करण मेहरा केस में, जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक फेम करण मेहरा और उनकी पत्नी के केस में नया मोड़ आ गया है। जैसा कि हमने आपको बताया ही था, करण मेहरा को लेकर तमाम तरह के आरोप उनकी पत्नी ने लगाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बात की जाए तो पति से अलग हुए करण मेहरा की पत्नी निशा रावल ने कई बड़े आरोप लगाए हैं और उन सब पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, बताना हम आपको चाहेंगे वो आरोप बड़े हैं। निशा रावल के आरोप कितने बड़े हैं, 5 आरोप जो है निशा रावल की, उसकी हम आपको बताना चाहेंगे। निशा रावल का पहला आरोप है कि उनके पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा एक महिला के साथ। दूसरा आरोप, उन्हें बताया तक नहीं, छुपाकर रखा रिश्ता। और तीसरा आरोप, मैसेजेस जब उन्होंने देखे तो उनसे उन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकारी, बल्कि करण मेहरा ने कहा कि हाँ वो दूसरे के साथ है, किसी और के साथ है। चौथा आरोप, निशा रावल का ये कहना है कि वो उनसे अलग होना चाहती थी उन्हें लेकर, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, वो जिम्मेदारी बेटे का नहीं ले पाए। पांचवा आरोप, करण मेहरा ने उन पर हाथ उठाया है। इस तरह से निशा रावल ने करण मेहरा पर कई आरोप लगाए और आरोप लगाकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से निशा काफ़ी गुस्से में नज़र आई है करण मेहरा पर। और वो जो फोटोज़ वायरल हुई है, वीडियो वायरल हुई है, इंटरव्यू जो गोरेगांव पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने मीडिया को दी है, उसमें निशा ने ये सारी बातें की है और कहा है कि काफ़ी बुरी तरह से वो चोटें सिर्फ अपने पति करण मेहरा की वजह से हुई हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।